हमारे साथ हैं डॉक्टर रतन लाल जी, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज का जो प्रोग्राम था उसका मकसद क्या था? सर, मकसद क्या है? संविधान खतरे में है और देश खतरे में है, इसके लिए 30 तारीख को आप देख रहे हैं कि ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की ओर से सब धर्म सब जाति के लोगों, जितने समुदाय, जितने प्रगतिशील लोग और इंसाफ पसंद लोग हैं, उनकी मीटिंग बुलाई गई है तालकटोरा स्टेडियम में। उसका उद्देश्य क्या रखे गए हैं, किन उद्देश्यों को लेकर, थोड़ा उसके बारे में सर बताइए। उद्देश्य ये है कि भाई क्या संविधान इस सरकार और इस देश पे लागू होता है कि नहीं होता है, और जिस तरीके से 3 साल से पूरा घटनाक्रम चल रहा है कि गौ रक्षक भी आप ही, लाठी मारने वाली आप ही, और थाना भी आप ही, पुलिस भी आप ही, सरकार भी आप ही, मजिस्ट्रेट भी आप ही, जितना डेमोक्रेटिक स्पेस है, चाहे वो खाने पीने को लेकर, पहनने को लेकर या तमाम है, कुछ लोगों को सत्ता पच नहीं रही है। इसलिए कम से कम हम लोग इस मंच के माध्यम से देश की जनता को आगाह करेंगे कि ये देश में संविधान का राज्य है, सरकार तो आती जाती रहती है, लेकिन जिन लोगों को सत्ता मिली है कम से कम वो समझ ले कि संविधान कुछ लोगों को मौलिक अधिकार, सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है। तो जिस तरीके से माहौल बना है देश में, सब डर रहा है, सबको डरा रहे हैं, सबको मार रहे हैं, ये क्या बात हुई कि आप जिस नाम पर आए थे, विकास के नाम पर और सामाजिक न्याय के नाम पर, आप दिखाइए तो सही कहाँ सामाजिक न्याय हो रहा है। वोट लेने के समय आप उसको हिंदू बना लेते हैं और बाकी समय में दलित बना के पीट रहे हैं। आप एक व्यक्ति को कुछ भी बना लीजिए, व्यक्तिगत मुक्ति से क्या फर्क पड़ता है? जब तक कि जमात की मुक्ति नहीं होती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा।